अनदर महफूज महफूज व्हिच मींस फ यानी के महफूज ठीक है महफूज सेफ महफूज अब इसका ऑपोजिट है खतिर खतिर व्हिच मींस डेंजरस खतरनाक ठीक है खतिर डेंजरस खतरनाक लफज था महफूज ऑपोजिट बना खतिर ठीक है इंग्लिश ट्रांसलेशन में सेफ ऑपोजिट है डेंजरस और उर्दू ट्रांसलेशन में महफूज ऑपोजिट है ख़तरनाक अस्सलाम वालेकुम इंग्रेविक चैनल पर आप सब को खुश आमदेद कहता हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे आज के इस लेसन में हमने मजीद नए अपोजिट वर्ड्स सीखने हैं अल्फाज और उनके मुजाद इंशाल्लाह हम इस लेसन में सीखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप वहां से इस लेसन की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ किताब डाउनलोड कर सकते हैं शुरू करते हैं लेसन पहला वर्ड हमारे पास है अस सहीहु अस सहीहु जिसका मतलब होता है शाउट चिल्लाना ऊंची आवाज से बोलना चीखना चिल्लाना अस सहीहु अब इसका ऑपोजिट है अल मुहमसा जिसका मतलब होता है यानी कि आहिस्ता आवाज में कान में सरगोशी करना ठीक है आप दोनों ऑपोजिट हो गए असू ऑपोजिट बनता है अलमोहसह शाउट इसका ऑपोजिट बनता है जबकि चिल्लाना इसका ऑपोजिट बनता है आहिस्ता आवाज में कान में सरगोशी करना नेक्स्ट अल है अल जिसका मतलब होता है रिपेयर यानी कि मुरम्मत करना रिपेयर यानी कि मुरम्मत करना अल इस्लाह अब अपोजिट हमारे पास इसका बनता है अल इफसाद। अल डैमेज यानी कि बिगाड़ना तोड़ना अल विच मीनस डैमेज यानी के बिगाड़ना या तोड़ देना अब लफ्ज था हमारे पास अल्लाह इस इसका opposite बना, अल इफसाद, इसका मतलब था इंग्लिश में रिपेयर जबकि का का मतलब है, और का मतलब होता है है और होता मुरम्मत करना जबकि ऑपोजिट बनता है बिगाड़ना so महफूज ठीक है महफूज सेफ महفوظ. अब इसका अपोजिट है खतीर खतीर विच मीनस डेंजरस खतरनाक ठीक है खतीर dangerous, खतरनाक लफज था महफूज अपोजिट बना खतीर ठीक है इंग्लिश ट्रांसलेशन में सेफ अपोजिट है डेंजरस और उर्दू ट्रांसलेशन में महफूज अपोजिट है खतरनाक सो नेक्स्ट वी है वो उन, वो उन, which means light, उजाला या रोशनी लाइट उजाला या रोशनी अरेबिक में कहते हैं अब ऑपोजिट है वैम वैम विच मीनस डार्क यानी कि अंधेरा ठीक है वैम डार्क अंधेरा लफ्ज था ऑपोजिट बना वाले लफ्ज हमारे पास है लाइट्स ऑपोजिट है डार्क उर्दू ट्रांसलेशन में उजाला या रोशनी ऑपोजिट है अंधेरा मसाँन, मसाँन, डस्क या फिर इवनिंग जिसको कहते हैं शाम ठीक है मैसे डस्क या फिर इवनिंग उर्दू में कहते हैं शाम जबकि

सती यानी कि कम गहरा ऐसी नदी नाला तालाब कुछ भी ऐसी जगह जो गहरी ज्यादा ना हो उसको कहते हैं शैलो और आरबी में कहते हैं वाहल वाहलून, वाहलून जबकि इसके अपोजिट वर्ड है आमी कुन आमी कुन विच मीनस डीप यानी कि गहरा डीप ठीक है आमी कुन डीप गहरा वर्ड है वाहलून ऑपोजिट है आमिर वर्ड है शैलो ऑपोजिट है डीप उर्दू ट्रांसलेशन में सतही या कम गहरा ऑपोजिट है गहरा नेक्स्ट वी हैव अल हजीम अल हजीम या आप इसको बोल सकते हैं अलिफ लाम हटा के हजीमतुन ठीक है हजीमत या फिर आप कह सकते हैं अल हजी ठीक है इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इसकी डिफीट यानी के शिकस्त डिफीट शिकस्त अल हजीम सो so इसके ऑपोजिट है अल फत या फिर फत अल फत या फिर फत मीनिंग है इंग्लिश में विक्ट्री और उर्दू में कहते हैं फतह यानी कि जीत ठीक है अल हजीम अल फत डिफीट विक्ट्री शिकस्त फतह यानी कि जीत मुबतल्ल मुबतल्लुन ह्यूमिड वेट यानी के नम गीला तर मतलब होता है ह्यूमिड यानि के वेट उर्दू में कहते हैं इसको नम भी कहते हैं गीला भी कहते हैं तर भी कहते हैं जबकि इसका ऑपोजिट है हाफुन हाफुन ड्राई यानि के खुश्क मुबतल्ल हाफुन ड्राई यानी के खुश आदुन आदोवन विच मीन एनिमी दुश्मन आदुन एनिमी दुश्मन जबकि ऑपोजिट है सदीकन सदीकन फ्रेंड दोस्त सदीक फ्रेंड यानी के दोस्त ठीक है अदोन ऑपोजिट है सदी एनिमी ऑपोजिट है फ्रेंड दुश्मन ऑपोजिट है दोस्त अल खुरुज अल खरूज विच मींस एग्जिट यानी कि खुरूज बाहर निकलने का रास्ता अल खुरुज एग्जिट खुरुज अदुखल अदूल विच मीनस एंट्रेंस यानी दाखिल होने का रास्ता अलखरूज एग्जिट एंट्रेंस खुरूज खुरूज मतलब बाहर निकलने का रास्ता मतलब अंदर आने का रास्ता कैसी कैसी मैनी यानी के बहुत अक्सर ज्यादा कैसी मेनी बहुत ऑपोजिट है कलीलुन कलीलुन व्हिच मींस फ्यू यानी के चंद कलीलुन फ्यू चंद वर्ड है कसीरन ऑपोजिट बना कलीलुन मेनी फ्यू बहुत ज्यादा अक्सर ऑपोजिट बना चंद कम अल जमूद अल जमूद जुमूदीन्स फ्रीज यानी के जाना अल जमूद फ्रीज जम जाना ऑपोजिट है अजूब अजूब विच मीनस मेल्ट यानी के पिघल जाना पिघलना अजूब मेल्ट पिघलना ठीक है अल जमूद मतलब के जम जाना फ्रीज हो जाना अजूब मतलब के मेल्ट होना पिघल जाना मुताक्दिम मुताक्दिम व्हिच मींस फ्रंट यानी कि अगला मुताक्दिम फ्रंट अगला मुताआखिर मुताआखिर रियर यानी कि पिछला मुताक्दिम मुताआखिर फ्रंट रियर अगला पिछला ठीक है फ्रंट मतलब अगला हिस्सा रियर मतलब पिछला हिस्सा नेक्स्ट वी हैव जोखीम जोखीम विच मींस बड़ी जिसामत वाला जोखीम जायंट बड़ी जिसामत वाला सोगेर सगेर विच मीन्स टीनी छोटा ठीक है जोखीम सोगेर जायंट टीनी बड़ी जिसामत वाला छोटी जिसामत वाला छोटे कद काठ वाला ठीक है नेक्स्ट वी गेस्ट यानी के मेहमान वैफुन गेस्ट मेहमान मुस्तवीफ मुस्तवीफ विच मीन होस्ट यानी के मेजबान मुस्तवीफ होस्ट मेजबान वैफन मुस्तवीफन गेस्ट होस्ट मेहमान मेजबान खफीफुन खफीफुन विच मीनस लाइट हल्का ठीक है खफीफुन लाइट हल्का शकील शिच मीनस हैवी भारी वजनी हैवी, यानी की भारी या वजनी वर्ड है खफीफ ऑपोजिट है फकीर वर्ड है लाइट ऑपोजिट है हैवी। वर्ड है है हल्का, ऑपोज़िट भारी यानी के वज़नी। खादिम खादिम विच मीनस सर्वेंट यानी के नौकर खादिम सर्वेंट यानी के नौकर मऊल है मास्टर आका या मालिक मऊला मास्टर आका या मालिक खादे मुन मऊला सर्वेंट मास्टर नौकर मालिक आका अल हर्ब एल हर्ब विच मीनस वॉर यानि के जंग ठीक है हर्ब वॉर जंग एल एम एल एम अम, पीस अमन अल-अम पीस यानी के अमन वर्ड है हर्ब ऑपोजिट है अम वर्ड है वॉर ऑपोजिट है पीस वर्ड है जंग ऑपोजिट है अमन एज एज नुन विच मीन फॉरेन यानी कि गैर मुल्की एज नबीज फॉरेन गैर मुल्की

जबकि ऑपोजिट है जिसमुन जिसमुन विच मीन्स बॉडी यानी कि जिसम ठीक है रूहन जिसमुन सोल बॉडी रूह जिसम तो यहां तक हमारा लेसन हुआ खत्म उम्मीद करता हूं आपको इस लेसन से बहुत फायदा हुआ होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें शेयर कर दें कमेंट कर दें और हमारे चैनल को जाते जाते लाजमी सब्सक्राइब कर दें आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज